खुश होने के बजाय सीधे आग उगलने लगा। एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया। बाबू लोहारी तो मेरे बाबा का नाम है। भगवान से एक बच्चा पाया मैंने। हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने तुम्हें कहा था ना सुल्तान। रुक जाओ सुल्तान, मैं यहाँ सिर्फ ये समझाने आया हूँ तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदड़ को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें। मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। कितने वर्षों के बाद आज तो मुझे मिला। खुश होने के बजाय सीधे आग उगलने लगा अपने रिश्ते के बारे। किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान, किस रिश्ते की? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया। हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुनाह करवा के लिया। अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, ना ही कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। मैंने तेरे भूखे और नंगे बचपन को नई जिंदगी दी। मुझे बाप का दर्जा देने की बजाय मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। बाप तो मैं बन चुका हूँ सुल्तान। एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए ये मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम मुझसे समझ लो, आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बादशाह, जुर्म की दुनिया में आने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता। आखिरी फैसला कर चुका हूं, इसलिए यह आखिरी मर्तबा आया हूं। दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। मैं चाह रहा हूं सुल्तान। बादशाह, तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया बेटे? यहां आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहां से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? पीछे मुड़कर खुद देख लो। अच्छा जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा कर देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे ना तुम लोग समझते हो ना समझ पाओगे। ये हाथ सब तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है। नहीं अब्दुल, बादशाह को मारने की गलती मत करना। वक्त ने बादशाह की ताकत और खूबियों को और बढ़ा दिया है। यह तो एक छोटा सा इम्तिहान था। जिंदा बादशाह हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमें उसकी बहुत जरूरत है। और अब्दुल, मैं हर हाल में उसे लौटाकर वापस लाऊंगा। ये नमस्ते अंकल। नमस्ते। बाबू लोहार ही रहते हैं? हाँ, आइए ना, आइए। वो भी घर पर नहीं है, आते ही होंगे। अब बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजू। कितने साल के हैं आप राजू? 8 साल। 8 साल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th standard। 4th standard। आपके पिताजी का क्या नाम है? बाबू लोहारी तो मेरे बाबा का नाम है। राजू, तुम्हारे बाबा की तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है,
मैं अपने बाबा की तस्वीर को हमेशा संभाल के रखता हूँ अपनी किताब में। अच्छा, ऐसा क्यों? अब भगवान की तस्वीर को संभाल के रखते हैं ना। रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें पूछता हूँ, मेरी श्रद्धा है उन पर, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। आपने तो जवाब दे दिया, बस इसलिए मैं अपने बाबा की तस्वीर को भी बहुत संभाल के रखता हूँ। ये देखिए। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच भी लेता हूँ तो मेरे कहने से पहले ही ला देते हैं वो। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे। देखो ना, हम गरीब हैं, ये सारा मोहल्ला ही गरीबों का है। सब बच्चे म्युनिसिपैलिटी स्कूल में जाते हैं, लेकिन मेरे बाबा मुझे यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में भेजते हैं। तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं तुम्हारे बाबा? आपने देखा नहीं, ये लोहार की दुकान उन्हीं की है। वो रात दिन लोहा कूटते हैं ताकि मैं पढ़ लिख सकूं। उनके एक दोस्त है इंस्पेक्टर प्रधान, वो मुझे उन्हीं की तरह नेक और ईमानदार बनाना चाहते हैं। बाबा, अंकल ये बाबा है। बाबा ही है, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया। इंस्पेक्टर प्रधान। इंस्पेक्टर प्रधान। राजू अंदर जा, शेरू को लेके जा। आओ शेरू। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छे और ऊंचे संस्कार इसे मिले हैं तुमसे। बाबू लोहार, दरअसल 7 सालों से मैं एक मुजरिम की तलाश कर रहा हूं। इस इंतजार में तरक्की के कई मौके आए पर मैंने ठुकरा दी, इसलिए मैं इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर ही रह गया। लेकिन आज मुझे लग रहा है जो कुछ मैंने खोया उससे कहीं ज्यादा मैंने पा लिया। वो सामने भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, वो सिद्धार्थ एक रात अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में जंगल में चला गया। परसों बाद जब वो बुद्ध बनकर लौटे तो उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ उनके पास पहुंची। बहुत क्रोध था उनके मन में, बहुत कोसा उन्होंने भगवान बुद्ध को। क्या अधिकार था आपको एक बच्चे से उसके पिता को छीनने का? क्या सोचकर आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया? आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पति सिद्धार्थ था, इस बच्चे का पिता सिद्धार्थ था, जो तुम्हें छोड़कर गया सिद्धार्थ था, लेकिन आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध है। आत्मा बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। बाबू लोहार, बरसों से मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो कोई और है, और आज जिससे मिलके जा रहा हूं वो कोई दूसरा। मुझे माफ कर देना। और हां, तुम वाकई उधार का नसीब लेकर नहीं आए हो, तुमने अपनी किस्मत खुद बनाई है। मेरा अंदाजा गलत था। सावंत, तुम सच कहते थे, बादशाह की फाइल बंद कर दो। बादशाह तो कब का मर चुका है। शेरू, बाबा, स्कूल में रोज रोज ऐसे फंक्शन थोड़े ही होते हैं, सब बच्चों के मम्मी रेडी आएंगे, आप भी चलिए ना। मैं कभी जिंदगी में किसी फंक्शन में नहीं गया, फिर आज जाके क्या करूंगा।
और वैसे भी बहुत काम पड़े हैं, तू जा, मैं तेरे साथ रहूं ना रहूं लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। अरे राजू, ए राजू, राजू कहाँ भागे जा रहे हो? देखिए मैडम, आपके साथ ना तो मेरा कोई रिश्ता था, ना है और ना ही जुड़ सकता है। बाबा के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और उनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आइंदा से आप मुझसे मिलने की कोशिश ना करें। लेकिन राजू, मैडम ऊपर सब लोग बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है कि मनीष की तबीयत खराब है, तो आज मदर्स डे के इस फंक्शन में गाना कौन गाएगा? कौन गाएगा? अरे अपना राजू भी तो अच्छा गाता है। मदर्स डे पे राजू क्या गाएगा, उसकी तो माँ ही नहीं है। वो क्या जाने माँ क्या होती है। मिस्टर ओबेराय, इस तरह के केसेस में अक्सर मरीजों की दिमागी हालत ऐसी होती है, इनकी शारीरिक शक्ति इनके मानसिक दबाव के कारण टूट जाती है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बहुत जल्द होश आ जाएगा। अच्छा मिस्टर ओबेराय, थैंक यू डॉक्टर, बाय। थैंक यू। सुना आपने बहुत अच्छा गाना गाया आज, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको ये गाना सिखाया किसने? मेरे बाबा ने अंकल। अच्छा, मेरे बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे बाबा है। अच्छा, अंकल हम गरीब है फिर भी उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। तो राजू ये बता, अगर आपके बाबा इतने अच्छे हैं तो आप हमें उनसे मिलाएंगे नहीं? हाँ अंकल। ओके लवली, चलो आइए। थैंक यू। आइए ना अंकल, आप बैठिए, मैं अपने बाबा को बुला के लाता हूँ। अच्छा बैठिए ना। हाँ। राजू ये तस्वीर किसकी है? मेरे बाबा की। और ये? ये तो मैं हूँ। क्या हुआ अंकल, आपकी आंखों में कुछ चुभ गया क्या? खुशी भी कभी चुभती है बेटे। आज मुझे किसी गरीब के झोपड़े में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। मैं बाबा को बुला के लाता हूँ। कहाँ है तुम्हारे अंकल? यहीं पर तो थे अभी। यहाँ तो कोई नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। ये क्या है? पढ़ो। बाबू लोहार, फौरन मेरे घर पर मुझसे आकर मिलो, मिस्टर ओबेरॉय। आपने मुझे बुलाया है, आओ बाबू लोहार। जितना तूफान घर के बाहर है उसे कहीं भयानक तूफान मेरे दिल के अंदर उठा हुआ है। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जिसकी मदद से यह तूफान हमेशा के लिए थम सकता है। साहब मैं लोहार हूँ, सीधी चोट करता हूँ और सीधी बात समझता हूँ। आज से तकरीबन 7.5 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में हमसे हमारा बेटा बिछड़ गया था। हाँ मेरे साथ। बाबू यही वो कमरा है जिसमें पहली बार हमारे बेटे ने आंखें खोली थी। उस मासूम की हर चीज हमने बड़े प्यार से
संभाल कर रखी है। सिर्फ सिर्फ मेरी पत्नी ममता को विश्वास है कि हमारा बेटा जिंदा है, इसलिए हर साल वो उसका जन्मदिन मनाती है और उसके तोहफों को सहेज कर संभाल कर रखती है। लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि बाबू, मैं उस बच्चे का बाप हूं और ममता उसकी मां। जानना नहीं चाहते हो कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा ये है। बाबू, तुम्हें हमारा बेटा कैसे मिला? आपका बेटा? किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? बनने की कोशिश मत करो, राजू हमारा बेटा है। मैं जानकर अनजान नहीं बन रहा साहब। आप जानबूझकर एक खुदगर्ज की तरह मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहते हैं। राजू मेरा बेटा है, मेरा बेटा है राजू। बाबू, मैंने राजू की तस्वीर तुम्हारे घर पर देखी है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजू को देख ममता के अंदर ममता उमड़ पड़ती है, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जो तुम ममता की लोरी हुआ करती थी, आज वही गीत बनकर राजू की जबान पर आ गई, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारा राजू हमारा खोया हुआ युवराज है। जब मेरी ममता को पता चलेगा कि उसका बेटा जिंदा है, उसे एक नई जिंदगी मिल जाएगी। अव्वल तो मेरे राजू से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरी सांस है वो, मेरी धड़कन है वो, लेकिन वो मेरा खून है। खून? किस खून की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा जब एक साल का था तो 5 किलो का होगा, मेरा बच्चा 30 किलो का है। उसकी रगों में मेरा पसीना खून बन के दौड़ रहा है। उसके जिस्म में जो बरकत आई है वो मेरे कमाई की है, मेरे मेहनत की है। मैं देखता हूं मेरा बच्चा मुझसे कौन अलग कर सकता है। अब समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है। ये लो, ये सारी दौलत ले लो और अपने लिए एक लोहे की फैक्ट्री खड़ी कर दो। और ये लो ये चेक, और इसमें ऐसी रकम लिख दो ताकि तुम्हारे 7 पुश्तों तक गरीबी की हिम्मत न हो कि तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे सके। लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मेरा बेटा लौटा दो। बाप होकर बाप का सौदा करते हो। चलो, हमने आपकी ये दौलत ले ली और अब हम आपकी ये दौलत वापस देते हैं। सारी जिंदगी हम आपका गुलाम बनकर जिएंगे, उसके बदले में हमें वो बच्चा वापस दे दीजिए। अरे वो बच्चा तो दूर की बात है, वो कमरे में जो पालना पड़ा हुआ है वही हमें दे दीजिए, जिसके अंदर आपकी पत्नी की ममता कूट कूट के भरी हुई है। दे सकोगे आप? दे सकोगे? वो बच्चा तुझे मिला था, तू उसका जन्मदाता नहीं है बाबू। उसके माता पिता का अधिकार और राजू का भाग्य भी क्या तू छीन लेगा? राजू उसका खून है, तेरा नहीं। कहां ले आए हो मुझे? तुम्हारी मंजिल तक। मतलब? बादशाह को मैं छू भी नहीं सकता क्योंकि सुल्तान उसे जिंदा देखना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपने अपमान का बदला लेना है और इसके लिए तुम आजाद हो।
वो रहा बादशाह का घर। मैं ममता हूं, वो ममता जिसकी शादी के परसों बाद तक कोख सुनी रही, मन्नते मांग मांग कर भगवान से एक बच्चा पाया मैंने, और वो बेटा देकर उसी ने मुझसे छीन लिया। मैं 7 साल तक उस भगवान के चरणों में सर रखकर भीख मांगती रही, पर वो खामोश रहा। मैं 7 साल तक फरियाद करती रही, 7 साल तक पुकारती रही, मगर उसने मेरा बच्चा मुझे नहीं लौटाया। तुम मेरे लिए उस भगवान से भी बढ़कर हो, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी, उसकी तकदीर बनाई, उसे शिक्षा संस्कार देकर इंसान बनाया। जो वरदान मुझे वो भगवान नहीं दे सका, आज वो भीख तुम मेरी झोली में डाल सकते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, माथा टेकती हूँ, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मेरा राज्य मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। अगर तुम पत्थर बन जाओगे तो दुनिया में इंसान पर से इंसान का भरोसा उठ जाएगा। अपनी खामोशी को तोड़कर लौटा दो मेरे बच्चे को, इनकार मत करना, देखो इनकार मत करना, मेरा बच्चा। चलो ममता चलो, तुम्हारे आंसुओं से मंदिर में पत्थर का भगवान पिघल सकता, लेकिन ये आदमी नहीं, इसकी खामोशी ने हमें हमारा जवाब दे दिया है। अब यहां अपनी ममता को और जलील मत करो, चलो। हेलो पुलिस स्टेशन, आदित्य ओबेरॉय। मैं तुम्हारे माफी के हकदार तो नहीं, और ना ही तुम्हारे प्यार के काबिल हूं। मैं तो वो बदनसीब हूं जिसने अपने सपनों के संसार को खुद अपने हाथों से जला लिया, वो अभागन हूं जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को पाकर शक की दहलीज पर कुर्बान कर दिया, और आज अपने हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म करने चली आई थी, पर यहां के पता चला तुम आम इंसान से बहुत ऊंचे हो। मैं टूट चुकी हूं बादशाह, मैं अंधेरों में घिर चुकी हूं, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारी खुशियों की रोशनी चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, मुझे माफ कर दो बादशाह। मैं अपने दिल पर हाथ रखकर आज भी यही कसम खाती हूं कि मेरी हर सांस, मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारी अमानत है, सिर्फ तुम्हारी। बाबू लोहार,
बाबू लोहार ने पूरे समाज के सामने इंसानियत, नेक नीति और एक मददगार इंसान होने की मिसाल कायम की है। इंस्पेक्टर प्रधान की गवाही और सबूतों के बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजू के असली माता पिता मिस्टर एंड मिसेज ओबेराय ही हैं, और इसीलिए यह अदालत बाबू लोहार को हुक्म देती है कि राजू को उसके असली माता पिता के हवाले कर दे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। नहीं चलते, मैं बाबू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बाबू, बाबू राजू, राजू बाबू, राजू बाबू, नहीं छोड़ो मुझे, राजू नहीं छोड़ो मुझे, राजू बाबू, मैं बाबू को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझे बाबू की मान डालो, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, मुझे बाबू की मान डालो, छोड़ो मुझे, राजू इस रोटी से बहुत गहरा रिश्ता है बादशाह का। इसी रोटी की खातिर मैंने उसे इंसान से जानवर बनाया था। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मेरा वफादार जानवर आज इंसान बनते ही बगावत पर उतर आया। नहीं, मुझे वो इंसान नहीं, मुझे मेरा पालतू जानवर चाहिए, मुझे मेरा बादशाह चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बादशाह चाहिए। आहा, ये देखो फायर इंजन, और ये देखो इसकी जो है ना लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती है, ये देखो देखो, और पता है सबसे बेस्ट क्या है, जंबो जेट स्वींग इसमें हम। मुझे बाबा के पास जाना है। जो तुझे पसंद है ले ले, ये सब रखवा दूं बेटा तेरे लिए। मुझे बाबा के पास जाना है। हाँ? ये ले बेटा, बर्फी खा ले। माँ, मैं बाबा के बिना नहीं जी सकता। माँ, माँ मुझे बाबा के पास ले जाओ। माँ, माँ मैं बाबा के बिना नहीं जी सकता। माँ, माँ माँ जी, आदित्य, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों आज अपने बच्चे को पाकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि शायद मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। हर माँ बाप की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश उनके संतान की खुशी होती है, और मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की खुशियों का बलिदान कर दिया। नहीं, मैं अपनी ममता की वजह से एक खुदगर्ज माँ कभी नहीं बनूंगी जो अपने बच्चे को पाने के लिए उससे उसकी खुशियां छीन ले। जहां रहकर मेरे बच्चे को खुशी मिलती है उसी में मैं खुश हूं, जिसके साथ रहकर वो सुखी है उसी में मेरा सुख है। मैं राजू को उसकी खुशियां लौटाना चाहती हूं, और ये उम्मीद करती हूं कि इस फैसले में आप मेरा साथ देंगी। हां बहू, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जीत कर भी हार जाऊं और वो हार के भी जीत जाए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों? नहीं, राजू कौन हो तुम लोग और राजू को कहाँ ले जा रहे हो? ये रोटी बाबू लोहार को दे देना, वो सब समझा देगा।
बाबू बाबू वो लोग मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। राजू को घर ले जाने के बाद हमें यह पता चला कि वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम्हारे पास लौटाने आ ही रहे थे कि रास्ते में कुछ गुंडों ने हमें रोक लिया और राजू को उठा कर ले गए। कौन थे वो लोग? पता नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने तुम्हारे लिए रोटी दी और कहा कि तुम पहचान जाओगे। सुल्तान! ले जाओ उस पिल्ले को। इस पिल्ले के अंदर बादशाह की जान कैद है और इसकी जान के बदले में मैं बादशाह को फिर से अपना गुलाम बनाऊंगा। बादशाह मेरा गुलाम था, है और हमेशा रहेगा। मैंने तुम्हें कहा था ना सुल्तान, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करना, मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। बेटा बादशाह, तुझे अपने इस बूढ़े बाप का, अपने अपने उस रिश्ते का वास्ता है जिसे तू तो भूल चुका है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सका। तू मुझसे दूर चला गया तुझे मेरे पास वापस लाने के लिए, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। तू मेरा जुनून है बेटा, तू मेरा जुनून है, पर तेरी जिंदगी ये बच्चा है। जा बेटा, अपने इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चला था। जा बाबा, 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 राजू, बाबा, बाबा, राजू, बाबा, बाबा, छोड़ो मुझे। सुल्तान, इस पिल्ले की वजह से तूने मुझसे अपने बाप सुल्तान से बगावत की, इसकी तुझे सजा मिलेगी बादशाह। बाबा, बाबा, ऐसी सजा जिससे तेरी रूह कांप उठे। ये मेरे शिकारी कुत्ते हैं जो तेरी मासूम से पिल्ले की बोटी बोटी नोच डालेंगे और तू कुछ नहीं कर सकेगा। सुल्तान, हर गद्दार नमक हराम की सजा मौत है, हर इस बच्चे की मौत तेरे अंदर जागे इंसान की मौत है, यानी कि तेरी मौत है। जय सुल्तान। बाबा, 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 बचाओ बाबा, बचाओ, 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 भगवान।
बाबा। अब्दुल, 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 देखो सावंत। राजू, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया बेटे? ओह माय गॉड, इतना सारा खून, ठीक हो ना? बाबा, आप कहाँ जा रहे हो बाबा? मुझे छोड़ के मत जाओ बाबा। मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके बिना नहीं जी सकता बाबा। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगे, ये मेरा हुक्म है, समझे तुम? सुना तुमने? जाओ। बाबा, मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं, तो ठीक है बाबा, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। आप भी जो कर रहे हैं मेरे भले, मेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं ना बाबा। मैं आपके बिना जी तो नहीं सकता बाबा, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं ये कोशिश भी कर लूंगा। मैं जा रहा हूँ बाबा। We'll be right back.
राजू बाबा राजू राजू बाबा राजू राजू बाबू हमारी खुशी हमारी जिंदगी हमारा बच्चा है और इसकी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। क्या तुम इसकी खुशी के लिए हमारे पास हमारे साथ एक परिवार की तरह नहीं रह सकते? भगवान जब मेहरबान होता है तो सबको अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। अरे मिल गई हमें भी अपनी मंजिल मिल गई। आपके मुबारक कदम हमारे घर में क्या पड़े, आखिर मैं भी बाप बन गया। बेटा हुआ बेटा, तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। अच्छा जरा चौकट दिखा दो, वाकई अपने बाप पे गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए।